देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ये बेबी बूटीज लेके आई हूँ जो मैंने इसकी सेट के साथ बना के कंप्लीट की है। जो बेबी स्वेटर है इसको मैंने अपलोड किया हुआ है और पजामा पैंट की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है और इस बेबी कैप की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आज के पार्ट में पार्ट नंबर 6 है, इसके अंदर हम ये बेबी बूटीज बनाना बताएंगे। बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बेबी बूटीज बनाई हैं। जितने देखने में सुंदर हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने इस स्वेटर की कैप, पजामा पैंट और स्वेटर की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सभी पार्ट आपको पार्ट वाइज अपलोड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये बूटीज पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 प्लाई वाली बुन ली है और 9 नंबर की मैंने नीडल ली है। 3 प्लाई वाली देखिए, जिसके अंदर ऐसे 3 तार होते हैं, ये वूल मैंने ली है। अगर आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं 41 फंदे, यानी 41 फंदे मैंने डाले हैं। फंदे थोड़े से ऐसे लूज डाले हैं और अब ये यहाँ से फर्स्ट रो बनाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए हम 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। जो हमने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाना है तो 6 सिलाई बनाएंगे दोनों तरफ से। इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते हुए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कीजिए। तो देखिए 6 सिलाइयाँ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 3 धारी हमारी सीधी तरफ है और 3 धारी हमारी बैक साइड में है। तो अब हम यहाँ से 7वीं सिलाई में कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम डिजाइन डालेंगे और ब्लैक कलर लगाएंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे, सीधी तरफ है और उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा हम ब्लैक बनाएंगे ऐसे, फिर धागे को ऐसे आगे की तरफ करेंगे और येलो से दूसरा फंदा बनाएंगे। अब येलो धागे को आगे तरफ करेंगे और ब्लैक से बनाएंगे, फिर येलो को आगे रखेंगे और येलो से बनाएंगे। तो एक फंदा ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक, एक येलो। जो ये बुना हुआ धागा है इसको ऐसे आगे की तरफ दबाएंगे, फिर सेकंड कलर से बुनेंगे, फिर इस कलर को ऐसे दबाएंगे। अब इस बेस कलर से बुनेंगे, फिर बेस को ऐसे दबा लेंगे, फिर से ब्लैक को बुनेंगे, फिर ब्लैक को दबाएंगे, फिर येलो से बुनेंगे, फिर येलो को दबा लेंगे और ब्लैक से बुनेंगे। अब आगे की तरफ दबाएंगे और इस फंदे को बनाएंगे, इसको आगे की तरफ दबाएंगे, येलो को बनाएंगे, ब्लैक को। एक फंदा येलो, एक ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक। धागे को ऐसे आगे की तरफ ही रखेंगे और इसको ब्लैक से बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी रो को बुन लेंगे। तो देखिए राइट साइड से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लिया, धागे को दबाते गए और एक फंदा उल्टा ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक। अब आएंगे हम रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में देखिए अब कैसे करेंगे। राइट साइड से हमने इस सिलाई को उल्टा बुना था, अब रॉन्ग साइड से सिलाई को सीधा बुनेंगे। तो जो ब्लैक फंदा है इसको ब्लैक ही बनाएंगे, ऐसे ब्लैक से सीधा फंदा बनाएंगे। अब आगे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को ऐसे पीछे की तरफ दबाएंगे और येल्लो से बनाएंगे। सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को पीछे ऐसे दबाएंगे और ब्लैक से बनाएंगे, फिर ब्लैक को ऐसे पीछे की तरफ दबाएंगे और येलो से बनाएंगे, फिर से येलो को दबाएंगे और ब्लैक से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से ब्लैक को ऐसे दबाएंगे और येलो से बनाएंगे। तो जो पीछे धागा है वो हमारा क्रॉस होता जाएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। अब ब्लैक को दबाएंगे, फिर येलो से बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम इसी तरह से बना लेंगे।
ब्लैक को दबाएंगे, येलो फंदा है येलो से बनाएंगे, फिर येलो को दबाएंगे इस तरह से, फिर ब्लैक से बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब इस ब्लैक को ऐसे दबाएंगे और येलो का फंदा येलो से बनाएंगे, फिर येलो को दबाएंगे पीछे की तरफ और ब्लैक का फंदा ब्लैक से बनाएंगे। तो एक फंदा ब्लैक, एक येलो, येलो फंदा येलो से, ब्लैक फंदा ब्लैक से बनाते हुए पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। ये बैक साइड से हमारी सिलाई बन के कंप्लीट हुई और हमारा सीधी तरफ से इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। अब हम यहाँ से ब्लैक धागे को कट करेंगे। सिर्फ ब्लैक की हमने डिजाइन में दो ही सिलाइयाँ बनानी है। ऐसे कट करेंगे और इसकी यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये ब्लैक धागा लूज न रहे। इस तरह से इसकी एक नोट लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पूरी सिलाई को हम येलो येलो बनाएंगे। अब यहाँ से पूरी रो को सीधा सीधा बनाते हुए सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। तो दो सिलाई यहाँ पे बनाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस जाले डालने वाला बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा येलो धागे से बुन लीजिए और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो ये सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर ले। अब आइए रॉन्ग साइड में, अब यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बुन लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। तो ये पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस तरह से डिजाइन डल गया है और डिजाइन डलने के बाद दो सिलाई हमने ऊपर बनाई है उल्टे सीधी। अब यहाँ पर हम जो डोरी डाल लेंगे उसके लिए बनाएंगे। तो ये एज स्टिच फंदा है, इसको बनाएंगे, एक फंदा और बनाएंगे। तो दो फंदे बनाने के बाद इस तरह से धागे को घुमाएंगे, इस तरह से धागे को घुमाएंगे, जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा आगे से करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे। जो दो का एक फंदा होगा वो जाली डल के फिर से बढ़ जाएगा। ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। जो दो का एक फंदा होता है वो जाली डल के फिर से बढ़ जाता है, फंदे हमारे इक्वल ही रहेंगे। 41 फंदे हैं, 41 फंदे ही हमारे लास्ट में बन जाएंगे। धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे। इसी तरह से इन सभी फंदों को हम लास्ट तक बुन लेंगे। अब फिर धागा घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब लास्ट का फंदा फिर से सीधा। तो देखिए यहाँ पर भी लास्ट में हमारे दो फंदे हैं फिर जाली है, और स्टार्टिंग में भी हमारे दो फंदे हैं फिर जाली है। तो फिर से हमारे वही 41 फंदे हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, अब यहाँ से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह ये जाली का फंदा, इसको नीचे की तरफ से बनाएंगे, हमारे जाली डल जाएगी। यहाँ से बनाएंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टे उल्टे बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पर अब आपको इसमें जाली नजर आएगी डोरी डालने के लिए। अब यहाँ से देखिए, अब हम ऊपर फंदे बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे।
टोटल फंदे हमारे पास 41 है, यानी 41 फंदे हैं। तो 20 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे, 21वां जो फंदा सेंटर का आएगा उस फंदे को दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। तो देखिए, हाफ फंदे हमने बुन लिए, 20 फंदे। अब यहाँ पर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। जो ये फंदा है, जो ये सेंटर का है, इसके यहाँ पर भी जाली डलेगी, यहाँ पर भी। हर सीधी सिलाई में दो फंदे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जाली डाल लेंगे और आगे के फंदे फिर बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी कि इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी वूल लगती है, सिर्फ 25 से 30 ग्राम वूल, और बहुत प्यारी सी हमारी ये बूटीज बन के आ जाएगी। 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे के पैर में आराम से परफेक्ट साइज बन के आएगा। अगर आपको थोड़े से बड़े साइज में बनाना है तो जो जाली ये बीच में हम डालेंगे, ये 2 से 3 जाली और ज़्यादा बना लीजिए। अब बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 फंदे बड़े थे, एक इस साइड में, एक इस साइड में, सेंटर में सीधा फंदा। तो पहले हमने 21 फंदे बुने थे, अब यहाँ पर जो जाली से बड़ा फंदा है उसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब 22 फंदे बुन लेंगे। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको भी बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 2 जालियाँ डल चुकी हैं। तो इसी तरह से हम हर सीधी सिलाई में एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे, एक इस साइड। तो हर सीधी सिलाई में 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने 20 फंदे बुने थे, 21वां फंदा सेंटर का था। जब हमारे यहाँ पर 28 फंदे यानी 28 फंदे बन जाएंगे, तब तक हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पर 8 जाली डाल लेंगे। 8 जाली डालने के बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको इसमें बताऊंगी, आगे इसमें कैसे बनाएंगे। 8 जाली डालने के बाद हमारे 16 फंदे बढ़ जाएंगे। तो 41 फंदे हैं, 16 और बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पर 57 फंदे बन जाएंगे टोटल। तो इसके अंदर आप 8 जाली डाल लीजिएगा, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जैसे ये बीच में सेंटर में यहाँ पर 2 जाली डल गई हैं, ऐसे ही 8 जाली डालते जाएंगे। ये 1 से 2.5 साल के बच्चे के लिए है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो 8 की जगह आप 10 जाली डाल लीजिएगा। तो देखिए, ये यहाँ पर 8 जाली मैंने डाल ली है। यहाँ पर देखिए 8 जाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
आठ जाली डलने के बाद हमारे 28 फंदे इस साइड हैं, 28 फंदे इस साइड, बीच में हमारा सेंटर का फंदा, तो टोटल हमारे पास 57 फंदे हैं। अब देखिए ये जाली डलने के बाद यहाँ पर एक सिलाई सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे, एक उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे, यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, फिर आगे डिजाइन डाल लेंगे। तो देखिए जाली डालने के बाद दो सिलाई मैंने बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। अब यहाँ से अब हम फिर से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे, जो डिजाइन हमने यहाँ पे डाला था बॉर्डर के साथ में वही डिजाइन हम यहाँ पर डालेंगे। राइट साइड है तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से डिजाइन वाली सिलाई को उल्टा बनाएंगे, आगे सिलाई डाल लेंगे, इसको ऐसे आगे की तरफ दबाएंगे और येल्लो से बनाएंगे, फिर येल्लो वाला दबाएंगे और ब्लैक से बनाएंगे, फिर ब्लैक वाला दबाएंगे येल्लो से बनाएंगे, तो इसको ऐसे ही डाल लेंगे जैसे यहाँ पे डाला था, सीधी तरफ से उल्टी सिलाई और बैक साइड से बनाएंगे जब बनाएंगे इसकी सीधी सिलाई, तो इस तरह से एक फंदा दबाएंगे इस तरह, फिर यहाँ पर बनाएंगे ऐसे दबाएंगे, फिर से येलो बनाएंगे, तो सेम ऐसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसे ही डिजाइन यहाँ बना लीजिए। तो देखिए ये दो सिलाइयों का डिजाइन मैंने डाल लिया है, जैसे नीचे डाला था वैसे ही ऊपर डाला है। अब देखिए डिजाइन डालने के बाद यहाँ से ब्लैक धागे को कट करेंगे और येल्लो से ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, बैक साइड से उल्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ब्लैक धागा मैंने कट कर दिया है और येल्लो से बनाते जाएंगे, सीधी तरफ से एक सिलाई सीधी बनाएंगे और बैक साइड से सिलाई को उल्टा बनाएंगे, तो इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए डिजाइन डालने के बाद ये दो सिलाई मैंने बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। अब देखिए अब आगे का पार्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ये बॉर्डर में बनाई हैं धारियाँ उल्टी उल्टी दोनों तरफ से, ऐसे ही हम यहाँ पर आठ सिलाइयाँ बनाएंगे, तो आठ सिलाई यहाँ पर बुन लेंगे, आठ बना लीजिए, दस बना लीजिए, दोनों तरफ से ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे, उल्टे उल्टे बनाते हुए दोनों तरफ से हम यहाँ पर आठ से दस सिलाई बना लेंगे इस तरह से, धारी बनाएंगे सीधी तरफ से भी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी, आठ सिलाई बना लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आगे बनाएंगे। तो देखिए ये हमने आठ सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है, चार धारियाँ सीधी तरफ है और चार धारियाँ हमारी बैक साइड में है। अब यहाँ से सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस लेंगे और आगे से एक फंदा लेके और दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके और दो का एक करेंगे, इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, तो ये सभी फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हमने इस सॉक्स की सिलाई करनी है, तो इसको लंबा काट के और सुई में डाल लेंगे, इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे टाइट नोट लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी बन के तैयार है, अब इसको ऐसे उल्टा करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने इसकी सिलाई करनी है, तो जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको काट लेंगे, जो फंदे डालने के बाद बचा हुआ है जो सुई में धागा है इसमें यहाँ पे एक नोट लगा के और अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से सिलाई करनी शुरू करेंगे, ऐसे लेंगे एक बार यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पर एक नोट अच्छे से लगा के इसको पक्का कर लेंगे,
ऐसे इसको पक्का करेंगे और बारीक बारीक टांग के लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। एक बार इस साइड में डाल लेंगे, एक बार अपनी तरफ डाल लेंगे, एक बार सुई को दूसरी तरफ डाल लेंगे। इसी तरह से बारीक बारीक टंग के लगाते हुए इसकी यहाँ से यहाँ तक डिजाइन के अंदर डिजाइन को एडजस्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। इसकी सिलाई कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद ये कैसी बन के आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से इसकी सिलाई कर सकते हैं। छोटे छोटे बारीक बारीक टंग के लगाते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट कीजिए। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली, पता भी नहीं चलेगा कि इसको हमने कहाँ से सिला है। तो यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, इस तरह से एक नोट और लगा देंगे ताकि धागा लूज न रहे। अब इस धागे को देखिए, इसके अंदर से ही यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। ऐसे निकाल के और इस एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉक्स हमारे बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट बन के आया है, बेबी शूज बन के आई है, जुराब बन के आई है और मैंने यहाँ पे डोरी डाल दी है और दो मैंने ये पोम पोम लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारे से इसकी फिटिंग बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 25 ग्राम ऊन में हमारी दोनों सॉक्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये सॉक्स, बेबी शूज, बेबी जूती कैसी लगी। थैंक यू।